असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज़ दी फोर्टी फर्स्ट लेक्चर इन a सीरीज़ ऑफ़ 45 फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे आप इंशाल्लाह अच्छे होंगे पिछले दो लेक्चर्स से हम मेमोरी पे डिस्कशन कर रहे हैं आज भी मेमोरी पे पर डिस्कशन जारी रहेगी आइए इससे पहले कि हम आज की डिस्कशन शुरू करें लास्ट लेक्चर के कंटेंट्स को रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी स्टैटिक रैम सिंक्रोनस स्टैटिक रैम सिंकोनस स्टैटिक रैम बेसिकली क्या है हम ये कह रहे थे कि जो एंकोनस रैम है उसमें जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो सिग्नल्स माइक प्रोसेसर जनरेट कर रहा है वो एंकोनस हैं क्लॉक के विद रिस्पेक्ट टू नहीं है सो so, मेमोरी का जो एक्सेस टाइम है उस पर डिपेंड करता है अगर फास्ट मेमोरी है आप कम टाइम में रीड राइट ऑपरेशन कर पाएंगे अगर स्लो मेमरी है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा इसको इम्प्रूव करने के लिए हम सिंकोनस मेमोरी यूज़ करते हैं सिंकोनस मेमोरी में बेसिकली उसी तरह की अरे होगी जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है उसी तरह के एड्रेस डी कोरस होंगे इनके अलावा कुछ लैचेस हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये लैचेस जो हैं जितने भी है, कंट्रोल सिग्नल्स हैं उनको लैच कर लेती हैं क्लॉक सिग्नल्स पर सो माइक्रोप्रोसेसर जो है स्टैटिक रैम के साथ कनेक्टेड है थ्रू द एड्रेस पास थ्रू द डाटा लाइन्स कंट्रोल लाइन्स एंड दी क्लॉक सिग्नल क्लॉक सिग्नल पे ये सारी इन्फॉर्मेशन लैच हो जाएगी और फिर क्लॉक रेट पे जो मेमोरी है वो अपना काम करेगी रीड ऑपरेशंस कर सकते हैं राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं उसमें इसमें हमने एक बात देखी थी जो बर्स्ट मोड था बर्स्ट मोड में वो सिंकोनस रैम है इसी वजह से बर्स्ट मोड हमारे पास अवेलेबल है बर्स्ट मोड में बेसिकली होता क्या है अगर आप चार या आठ या सोलह जो है कॉन्टीन्यूस लोकेशंस मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो आम मेमोरी में जो एक्नस मेमोरी है उसमें आपको चार या आठ या सोलह डिफरेंट एड्रेस जनरेट करने पड़ेंगे और फिर उन लोकेशंस से आप रीड या राइट कर सकते हैं इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा बर्स मोड में हम ये कह रहे हैं कि आप एक एड्रेस जो है जो बेस एड्रेस जिसको कहा जाता है उसको आप लैच कर लें जो कौन रैम में एड्रेस uh, डिकोर के आगे जो लैच एड्रेस डिकोर से पहले लैच लगी हुई है उसमें ये इन्फॉर्मेशन एड्रेस जो है लैच हो जाएगा उसके बाद जो है बर्स मोड उसको आप एक्टिवेट कर देंगे बर्स मोड में बेसिकली इस एड्रेस को इंटरनली इंक्रीमेंट करेगा और हर क्लॉक पल्स पर आप बेसिकली एक रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं सो so, इससे एक्सेस टाइम काफ़ी कम हो जाएगा और अब बहुत जल्द बहुत कम टाइम में आप मल्टीपल बाइट्स या इंफॉर्मेशन जो है लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं नेक्स्ट हमने डायनामिक रैम मेमोरी को देखा था उसका स्ट्रक्चर देखा था बेसिकली डायनामिक रैम का जो एक सेल है जो कि लॉजिक वन को या जीरो को स्टोर करता है वो इम्प्लीमेंट हुआ है एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से ट्रांजिस्टर का जो गेट है वो रो सेलेक्ट लाइन के साथ कनेक्टेड है सो so जो भी रो लाइन सेलेक्ट होगी उससे ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर के जो दो टर्मिनल्स हैं एक टर्मिनल जो है कैपेसिटर के साथ कनेक्टेड है और दूसरा जो टर्मिनल है वो एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है सो so, जो ही एक रो लाइन सिलेक्ट होती है उसके साथ जितने भी ट्रांजिस्टर्स लगे हैं वो ऑन हो जाएंगे और उनके कॉरिस्पॉन्डिंग जो कैपेसिटर है जो एक एंड कैपेसिटर लगा हुआ है वो कनेक्ट हो जाएगा कॉलम लाइन से कॉलम लाइन के साथ इनपुट एंड आउटपुट डाटा लाइन्स कनेक्टेड हैं सो डाटा इन एंड डाटा आउट थ्रू अप्रोप्रियट बफर्स सो आउटपुट बफर्स एंड इनपुट बफर्स के थ्रू कॉलम लाइन के साथ कनेक्ट किया हुआ है इन डाटा लाइन्स को इसी तरह एक और रिफ्रेश बफ़र है जो हम यूज़ कर रहे हैं फॉर रिफ्रेशिंग द कैपेसिटर सो बेसिकली आप एक लोकेशन पे कुछ इंफॉमेशन को लिखना चाह रहे हैं लॉजिक वन या लॉजिक जीरो को लिखना चाह रहे हैं तो अप्रोप्रियट एड्रेस भेजेंगे अप्रोपियट एड्रेस जो है डी होगा अप्रोपियट रो लाइन सेलेक्ट हो जाएगी उस रो लाइन को जब सेलेक्ट होगी उससे ट्रांजिस्टर सेलेक्ट हो जाएगा ऑन हो जाएगा ट्रांजिस्टर जो है अपना कैपेसिटर जो है वो अप्रोपियट कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉलम लाइन है उसके साथ कनेक्ट कर देगा सो so, अगर आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है थ्रू दी बफर आप रीड राइट सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे राइट कर रहे हैं तो राइट सिग्नल से बफर एक्टिवेट हो जाएगा जो इंफॉर्मेशन आपने डाटा इन लाइन पे अप्लाई की है वो कैपेसिटर पे जाके स्टोर हो जाएगी कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा अगर लॉजिक वन है अगर लॉजिक ज़ीरो आपने स्टोर करना है ऑफकोर्स कैपेसिटर जो है चार्ज नहीं होगा इसी तरह अगर आपने रीड करना है अगेन एड्रेस भेजेंगे एड्रेस से एक रो लाइन जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी रो लाइन जब सिलेक्ट होगी तो अब जो ट्रांजिस्टर्स हैं जिनके गेट्स उस रो लाइन से कनेक्टेड हैं वो सिलेक्ट हो जाएंगे ट्रांजिस्टर के जो दो आउटपुट टर्मिनल्स हैं एक एंड पे कैपेसिटर लगा हुआ है दूसरे एंड पे जो है कॉलम लाइन है सो so एक डायरेक्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा कैपेसिटर में एंड कॉलम लाइन में अब आपने अगर पढ़ना है तो बेसिकली Uh, जो डाटा आउटलाइन से इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं आपने एक जो है आउटपुट बफर उसको एक्टिवेट करना है रीड सिग्नल एक्टिवेट होगा जो कि उस आउटपुट बफर को इनेबल कर देगा कैपेसिटर जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा आउटपुट लाइन से तो अगर कैपेसिटर पे लॉजिक वन स्टोर है वो आप पढ़ सकेंगे अगर लॉजिक ज़ीरो है वो आप पढ़ सकते फ़ाइनली हमने कहा था कि रिफ़्रेश कैसे करेंगे एक तो हमने बात की थी कि जो कैपेसिटर है उसको पीरियाडिकली चार्ज करना होगा अगर चार्ज नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन लूज़ कर जाएगा सो so बेसिकली जब रिफ्रे, रिफ्रेश करेंगे आपको ये देखना होगा कि इन्फॉर्मेशन कौन सी स्टोर्ड है कैपेसिटर पे। तो आप बेसिकली रीड करेंगे और थ्रू दी रिफ्रेश सर्किट जो रिफ्रेश बफर लगा हुआ वापस वही इन्फॉर्मेशन जो है एम्प्लीफाई करके उस पर स्टोर कर रहे हैं तीसरा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो बेसिकली था एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग एड्रेस मल्टीप्लेक्सिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है बेसिकली हम डायनामिक रैम जब चिप को देखते हैं उसमें एक सेल जो है वो इम्प्लीमेंट किया हमने एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर की मदद से जो कि बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं सो दैट मीन्स डायनामिक रैम जो है काफ़ी डेंस मेमरी है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप छोटे से एरिया में स्टोर कर रहे हैं अगर आप किसी भी इंटीग्रेटेड सर्किट को देखें उसके पैकेज को देखें तो एक्चुअल जो इंटीग्रेटेड सर्किट है वो बहुत छोटा होता है जो पैकेज है उसका साइज़ कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा है बड़ा इसलिए रखते हैं क्योंकि आउटपुट जो पिनस हैं जिसके साथ हम डिफरेंट सर्किट्स uh, आपस में कनेक्ट करते हैं वो पिन अगर बड़ा होगा तभी हम कनेक्ट कर पाएंगे अगर बहुत ही माइन्यूट हो तो ऑफकोर्स कनेक्शन पॉसिबल नहीं है सो so, पिनस जो हैं काफ़ी जगह ऑक्यूपाई कर रही हैं एक पैकेज में अगर उनको रिड्यूस कर दें तो पैकेज साइज़ जो है वो छोटा हो जाएगा सो अगर सपोज हमारे पास एड्रेस लाइंस 20 हैं जिसमें कंप्लीट एक एड्रेस आप स्पेसिफाई करते हैं जिसकी मदद से हम एक लोकेशन मेमोरी में डायनामिक रैम में सेलेक्ट कर रहे हैं इस एड्रेस को अगर आप स्प्लिट कर दें इन ए कॉलम एड्रेस एंड रो एड्रेस तो आपके पास दस सिर्फ एड्रेस लाइन्स चाहिए तो आप जो है कंप्लीट एड्रेस एक टाइम में अप्लाई नहीं करेंगे पहले रो एड्रेस अप्लाई करेंगे उसको इंटरनली डायनामिक रैम जो है वो लैच कर लेगी उसके बाद अब कॉलम एड्रेस अप्लाई करेंगे उसको भी इंटरनली लैच कर लिया जाएगा फिर रो एड्रेस जो है और कॉलम एड्रेस है उसको डी करके एक लोकेशन को सिलेक्ट किया जाता है सो so बेसिकली जो एड्रेस लाइंस हैं वो ट्वेंटी uh, पिन थी तो वो दस हो गई अगर आठ थी तो चार हो जाएंगी इस तरह आप बेसिकली एड्रेस को मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं सो so एड्रेस को मल्टीप्लेक्स करने के लिए आपको दो कंट्रोल सिग्नल्स चाहिए रो एड्रेस स्ट्रोप एंड कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सो जो ही आप रो एड्रेस अप्लाई करते हैं आपने उसको लैच करना है सो so उसके साथ एक कंट्रोल सिग्नल होगा रो एड्रेस स्ट्रोप अगर आप कॉलम एड्रेस अप्लाई करते हैं उसको भी आपने स्टोर करना है उसके लिए एक कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल इस्तेमाल हो रहा होता है आज हम डिस्कशन जो है इधर से कंटिन्यू करेंगे बेसिकली हम देखते हैं कि डायनेमिक रैम का जो रीड साइकिल है और राइट साइकिल है वो किस तरीके से होगा बेसिकली डिफरेंट नहीं है जो हमने स्टैटिक रैम के केस में देखा था इसमें सिर्फ जो है एड्रेस चेंज हो गया ऑफ कोर्स मल्टीप्लेक्स एड्रेस है और उसके साथ दो एडिशनल सिग्नल्स जो हैं रो एड्रेस स्ट्रोब एंड कॉलम एड्रेस स्ट्रोब सिग्नल्स हैं सो आइए देखते हैं रीड टाइम को साइकिल टाइम जो है डायनामिक so, रैम का उसके बाद राइट साइकिल टाइम डायग्राम में डायनेमिक रैम का रीड साइकिल टाइम दिखाया गया सबसे ऊपर एड्रेस इंफॉर्मेशन दिखाई गई है पहले रो एड्रेस अवेलेबल होगा या अप्लाई होगा मेमोरी के एड्रेस लाइंस पे उसके बाद कॉलम एड्रेस अप्लाई होगा एड्रेस सिग्नल्स के बाद आर एस सिग्नल रो एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल दिखाया गया उसके बाद कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल दिखाया है दोनों एक्टिव ब्लो सिग्नल्स हैं सो जब रो एड्रेस एड्रेस लाइन्स पर अप्लाई होता है साथ में रो एड्रेस स्ट्रोप को एक्टिवेट कर लिया जाएगा जब ये एक्टिवेट करेंगे जो इंटरनल लैच है रो एड्रेस लैच वो रो एड्रेस को स्टोर कर लेगी इसी तरह रो एड्रेस के बाद कॉलम एड्रेस अप्लाई करते हैं एड्रेस लाइंस पे साथ में कॉलम एड्रेस स्ट्रोप को एक्टिवेट करेंगे कॉलम एड्रेस स्ट्रोप जब एक्टिवेट होगी जो इंटरनल कॉलम एड्रेस लैच है वो इस इंफॉर्मेशन को कॉलम एड्रेस को लैच कर लेगी इसके बाद हम रीड सिग्नल जो है अगर हमने रीड करना है तो रीड सिग्नल को एक्टिवेट करेंगे जो कि कॉलम एड्रेस के बाद और सी ए एस स्ट्रोप सिग्नल के बाद हाई दिखाया गया है इसके थोड़ी देर बाद वैलिड डाटा जो है वो डाटा आउट लाइंस पे अवेलेबल हो जाएगा डायनामिक टाइम का राइट साइकिल टाइम दिखाया गया है सबसे ऊपर अगेन एड्रेस सिग्नल्स को दिखाया गया उसके नीचे रो एड्रेस ट्रोप सिग्नल उसके नीचे कॉलम एड्रेस ट्रोप सिग्नल उसके बाद रीड राइट सिग्नल और आखिर में डाटा एन सिग्नल सो so एड्रेस जिस तरह के रीड साइकिल में देखा था पहले रो एड्रेस अप्लाई होगा उसके बाद कॉलम एड्रेस रो एड्रेस जो ही एड्रेस लाइंस पे अप्लाई होगा साथ में रो एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल अप्लाई होगा जो कि इस इंफॉर्मेशन को रो एड्रेस को रो एड्रेस लैच में स्टोर कर देगा इसी तरह रो एड्रेस के बाद जब कॉलम एड्रेस अप्लाई होगा एड्रेस लाइंस पे साथ में कॉलम एड्रेस स्ट्रोप को एक्टिवेट करेंगे जिसकी मदद से जो कॉलम एड्रेस इंफॉर्मेशन है कॉलम एड्रेस लैच में स्टोर हो जाएगी जब रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस लैच हो जाता है उसके बाद हम राइट right सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं राइट right सिग्नल जो है एक्टिव लो सिग्नल है उसको एक्टिवेट करने के लिए ऑफ़कोर्स लो कर रहे हैं राइट right सिग्नल जो ही एक्टिवेट होगा रो एड्रेस और कॉलम एड्रेस की मदद से हमने अप्रोप्रिएट लोकेशन जो है जो सेल है जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो सिलेक्ट कर ली हुई है सो so, थोड़े डिले के बाद डाटा इन लाइन पे हम इन्फॉर्मेशन अप्लाई करेंगे जो कि उस लोकेशन पे हमने राइट करनी है सो so, जो ही राइट सिग्नल डीएक्टिवेट होता है बेसिकली उसके बाद थोड़ी देर के लिए वैलिड डाटा को स्टेबल रखना है जो कि होल्ड टाइम है उससे पहले भी वैलिड डाटा को कुछ मिनिमम टाइम के लिए स्टेबल होना चाहिए अभी हमने डायनमिक रैम का रीडसाइकिल टाइम और राइट साइकिल टाइम देखा बेसिकली अगर आप इस रीड साइकिल टाइम को राइट साइकिल टाइम को आप कंपेयर करें स्टैटिक रैम से तो मिलते जुलते हैं इनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ आर एस और सी एस सी एस सिग्नल्स का है और रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस का है क्योंकि डायनामिक रैम में जैसे हमने पहले बात की थी एड्रेस इन्फॉमेसन मल्टीप्लेक्सड है जिस तरह स्टैटिक रैम में हमने रीड सिग्नल जब एक्टिवेट करते हैं तो रीड हम कर सकते हैं राइट सिग्नल को एक्टिवेट करते हैं तो इन्फॉमेसन जो है मेमरी में स्टोर कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरह डायनामिक दाने रैम में भी हो रहा है इन टाइमिंग डायग्राम में हमने चिप सिलेक्ट सिग्नल्स या आउटपुट इनेबल सिग्नल्स वो नहीं दिखाए थे नेक्स्ट हम बात करते हैं फास्ट मोड एक्सेस पे बेसिकली डायनामिक रैम में जैसे कि हमने बताया दो इंटरनल लैचेस हैं जिनमें एक रो एड्रेस स्टोर्ड है और एक कॉलम एड्रेस स्टोर्ड है उसकी ऑर्गेनाइजेशन पे जो डायनामिक रैम की ऑर्गेनाइजेशन है उसको जरा आप विजुलाइज अगर करें आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो अरेंज्ड है इन द फॉर्म ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स सो अगर किसी एक रो को ले लें उसके साथ बहुत सारे ट्रांजिस्टर एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन अटैच्ड है लेट्स से एक 1024 ज़ीरो टू फोर बाई वन जीरो टू फोर मेमरी है वन मेगा बेट मेमरी है सो so, उसके वन जीरो टू फोर रोज हैं और वन ज़ीरो टू फोर कॉलम्स हैं सो किसी एक रो को अगर ले लें उस उसके साथ जो अटैच ट्रांजिस्टर्स एंड कैपेसिटर्स हैं वो 1024 होंगे सो जब भी इस रो को आप सेलेक्ट करेंगे सारे 1024 ट्रांजिस्टर्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग कैपेसिटर्स हैं वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम लाइंस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे ओके okay, अब एक जो रो है उसको हम एक पेज के तौर पर कंसिडर करते हैं बेसिकली जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी कंप्यूटर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं अनलेस कि आपका कोई जंप या कंडीशनल स्टेटमेंट आए सो so, अगर आप एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो एक इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे तीसरी इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे एंड सो ऑन ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बेसिकली सिकवेंशल लोकेशंस में पड़ी हुई हैं सो so, इसी तरह आप एज्यूम कर सकते हैं कि जो आपकी डायनामिक रैम है एक रो में जो कंसेक्टिव या सीक्वेंस में जो कॉलम्स हैं वो कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो so, अगर आपने एक सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप एक रो सिलेक्ट कर लें उसका एड्रेस है वो आप स्टोर कर लें रो का उसके बाद अगर डायनामिक रैम में ये फैसिलिटी हो कि वो कॉलम जो एड्रेस है ख़ुद से इंटरनली एक्टिवेट कर रही हो या इंक्रीमेंट कर रही हो तो दैट मींस अब हर रो में से एक कॉलम से इंफॉर्मेशन बारी बारी पढ़ रहे हैं सो बेसिकली फास्ट मोड एक्सेस में यही हो रहा है आप एक रो सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद इंटरनली जो है डायनामिक रैम वो कॉलम को जो कॉलम एड्रेस लैच है उसके कॉन्टेंट्स को इंक्रीमेंट कर रही है ये इन्फॉर्मेशन जो कॉलम डी है उसके पास जा रही है सो कॉलम डी जो है एक एक कॉलम सेलेक्ट कर रहा है सो दैट मीन्स आप डिफरेंट सेल से बारी बारी इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं फास्ट पेज इसलिए कह रहे हैं कि ये जो तरीका है इन्फॉर्मेशन को रीड या राइट करने का ये फास्ट है कंपेयर टू सिंगल रीड राइट सेल को अगर आप के पास लग से मल्टीपल सेल्स हैं उन सारों को बारी बारी पढ़ना है तो बेसिकली आपको क्या करना होगा आपको रो एड्रेस भेजना होगा कॉलम एड्रेस भेजना होगा उधर से आप इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर लें उसके बाद दोबारा से आप रो एड्रेस भेजेंगे कॉलम एड्रेस भेजेंगे दूसरा सेल आप एक्सेस करेंगे सो फास्ट मोड में आपको बारी बारी या रिपीटिडली रो एड्रेस नहीं भेजना पड़ रहा रो एड्रेस सेम है उसी रो में से डिफरेंट कॉलम्स आप पढ़ रहे हैं सो so ये देखते हैं ये टाइमिंग डायग्राम कैसा होगा फास्ट मोड एक्सेस के लिए फास्ट पेज मोड रीड साइकिल टाइमिंग डायग्राम दिखाया गया सबसे ऊपर एड्रेस सिग्नल्स दिखाए गए हैं सो शुरू में रो एड्रेस अप्लाई करते हैं रो एड्रेस लाइंस पे uh, साथ में आर एस सिग्नल को एक्टिवेट कर देते हैं एक्टिव लो है तो उसको लो कर दिया सो so, जूँ ही वो लो होगा रो एड्रेस लैच हो जाएगा रो एड्रेस लैच में उसके बाद जो कॉलम एड्रेस हैं वो डायनामिक रैम इंटरनली ख़ुद से जनरेट कर रहा है एक्सटर्नली जो कॉलम एड्रेस टोप सिग्नल है उसको बार बार पल्स करना पड़ेगा सो so, पहले केस में जो ही कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल लो होता है पहला कॉलम एड्रेस जनरेट हो जाएगा उसके बाद जब दोबारा उस एस सिग्नल को लो करते हैं कॉलम टू एड्रेस जनरेट हो जाएगा और इसी तरह एंड में अगर आप देखें जो ही कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल लो होता है कॉलम एन का एड्रेस जनरेट हो जाएगा रीड राइट सिग्नल भी वो कॉलम एड्रेस स्ट्रोप के सिग्नल के साथ एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं सो टाइमिंग डायग्राम में रीड साइकिल दिखाया गया है सो कॉलम एड्रेस टॉप जो ही एक्टिव होगा साथ में रीड सिग्नल को भी एक्टिव कर दिया है सो डाटा आउट पे एक वैलिड डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी जो कि उस पर्टिकुलर कॉलम से पड़ी गई है दैट मीन्स कॉलम वन से नेक्स्ट कॉलम टू को अगर देखें कॉलम टू एड्रेस जब हम अप्लाई करते हैं एड्रेस लाइंस पे सी ए एस सिग्नल को भी एक्टिवेट कर देते हैं जिसकी वजह से कॉलम एड्रेस लैच हो जाएगा ये डी कोड होगा एक कॉलम लाइन सेलेक्ट होगी क्योंकि रीड सिग्नल हमने एक्टिव किया हुआ है सो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी वैलिड डाटा डाटा आउट लाइन पर इसी तरह आखिरी जो कॉलम एड्रेस है वो एड्रेस लाइन्स पर अप्लाई करेंगे कॉलम एड्रेस स्ट्रोप सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हैं रीड सिग्नल भी एक्टिव किया है सो आउटपुट लाइन पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो कि कॉलम एन पे स्टोर की हुई है इस टाइमिंग डायग्राम को अगर आप देखें शुरू में सिर्फ एक रो एड्रेस लैच हुआ है आर एस सिग्नल जो है थ्रू आउट दी रीड साइकल एक्टिव लो रह रहा है और कंट्रोल जो कॉलम एड्रेस ट्रॉप सिग्नल है वो एक्सटर्नली बारी बारी आप पल्स कर रहे हैं टू अलाउ रीडिंग फ्रॉम डिफरेंट कॉलम्स अभी हमने फास्ट पेज मोड एक्सेस को देखा जिसकी हेल्प से हम एक रो से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रीड कर सकते हैं या राइड कर सकते हैं सिर्फ एक रो जो एड्रेस है उसको लैच करना होगा और एक्सटर्नली जो कॉलम एड्रेस सिग्नल है उसको बारी बारी पल्स करना होगा जिसकी वजह से हम सिक्वेंशल जो कॉलम्स हैं उनको सेलेक्ट कर रहे हैं और एक्सेस कर रहे हैं आइए अब हम बात करते हैं रिफ्रेश साइकिल की डायनेमिक रैम की हमने जब शुरू में बात की थी हमने कहा था कि कैपेसिटर्स जो हैं अपनी इन्फॉर्मेशन लूज़ कर देते हैं सो पीरियोडिकली डी रैम को रिफ्रेश करना होगा रिफ्रेश बेसिकली दो किस्म का होता है एक बर्स्ट मोड होता है और एक डिस्ट्रीब्यूटेड मोड होता है बर्स्ट मोड में बेसिकली आप जो रीड राइट नॉर्मल ऑपरेशंस हो रहे हैं जो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू हो रहे हैं उनको आप सस्पेंड कर देते हैं उनको नहीं होने देते और आप रिफ्रेश साइकिल पूरा एक चलाते हैं रिफ्रेश साइकिल में तमाम जो रोज़ हैं वन एट ए टाइम एक्टिवेट होती हैं या सिलेक्ट होती हैं जिसकी वजह से जो भी जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं या सेल्स हैं उस रो के साथ कनेक्टेड वो सारे के सारे रिफ्रेश हो जाते हैं सो दैट मींस अगर आपके पास वन मेगाबिट डायनामिक रैम है जिसकी वन ज़ीरो टू फोर रो लाइंस हैं और वन जीरो टू फोर कॉलम्स हैं सो आपको वन ज़ीरो टू फोर रोज़ को वन एट ए टाइम सेलेक्ट करना होगा सो so, पहली रो सेलेक्ट करेंगे उसमें जितने भी वन जीरो टू फोर सेल्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे उसके बाद सेकेंड रो को सेलेक्ट करेंगे उसमें वन जीरो टू फोर जो सेल्स हैं वो रिफ़्रेश हो जाएंगे सो बेसिकली वन ज़ीरो टू फोर रोज को आप उस रिफ्रेश साइकिल में बारी बारी आ, सेलेक्ट करेंगे टोटल जो टाइम लगता है इसमें तकरीबन रफली एट मिली सेकेंड्स लगता है सो एट मिली सेकेंड्स के लिए माइक्रो प्रोसेसर को सस्पेंड करेंगे वो रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर रहा मेमरी जो है डायनेमिक रैम जो है वो रिफ़्रेश हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूटेड जो रिफ्रेश मेथड है उसमें आप माइक्रो प्रोसेसर को सस्पेंड नहीं करते बेसिकली माइक्रो प्रोसेसर भी अपना रीड राइट काम कर रहा है और जब आप देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर मेमरी को एक्सेस नहीं कर रहा रीड नहीं कर रहा राइट नहीं कर रहा तो उस टाइम में आपका रिफ्रेश सर्किट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मेमरी को रिफ्रेश करना शुरू कर देगा अब क्योंकि एक सिंगल सीक्वेंस में सारी रो सेलेक्ट नहीं हो रही तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन सी रो लास्ट टाइम सेलेक्ट हुई थी जिसकी वजह से वो रिफ्रेश होगी कि अब कौन सी जो है नेक्स्ट रो उसको रिफ्रेश करना है सो बेसिकली इंटरनल एक काउंटर होता है जो इसको इस पर चेक रख रहा हो गया रखता है कि कौन सी रो पहले रिफ्रेश हुई थी और नेक्स्ट रो कौन सी होगी अब अगर आप सिंपल uh, मैथमेटिक्स को अब यूज़ करें वन ज़ीरो टू फोर रोज़ जो हैं एट मिली सेकेंड्स में रिफ़्रेश हो रहे हैं तो एक रोज़ जो है बेसिकली कितने टाइम में रिफ़्रेश करना ज़रूरी है बेसिकली सेवन के करीब सेवन माइक्रो के करीब टाइम आता है सो डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में ये ख्याल रखना पड़ेगा कि हर जो रो है सेवन माइक्रो के बाद रिफ्रेश हो जाए अगर ये टाइम जो है आप मीट नहीं करेंगे बेसिकली इंफॉमेशन लूज़ हो जाएगी रीफ्रेस साइकिल के भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं एक है रो एड्रेस स्ट्रोप ओनली आर एस ओनली और दूसरी जो टाइप है सी ए एस बिफोर आर एस आर ए एस में बेसिकली आर एस सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा जिसकी वजह से हम एक रो को सेलेक्ट कर रहे हैं सी ए एस सिग्नल जो है वो इनएक्टिव रहता है एक्सटर्नली हम एक काउंटर लगाना पड़ेगा जो कि वो ख़ुद से इंक्रीमेंट हो रहा है और रोज़ को बारी बारी सेलेक्ट कर रहा है बेसिकली हम ये कह रहे थे कि रिफ्रेश साइकिल में बारी बारी आपने रोज सेलेक्ट करनी है तो वो कैसे हो रहा है एक्सटर्नल काउंटर की मदद से जो आर एस सिग्नल है इनिशियली एक्टिवेट हो जाएगा जो इनिशियल रो है उसको लैच कर लेगा उसके बाद जो एक्सटर्नल काउंटर है वो रो एड्रेस जनरेट करेगा और सारी जो डायनामिक रैम है वो रिफ्रेश हो जाएगी जो दूसरा मेथड है सी एस बिफोर आर एस सी एस नॉर्मली अगर रीड राइट साइकिल को देखा जाए तो आर एस सिग्नल पहले एक्टिवेट होता है उसके बाद सी एस सिग्नल एक्टिवेट होता है अगर सी ए एस सिग्नल पहले एक्टिवेट हो जाए और उसके बाद आर एस हो तो बेसिकली ये सिग्नल है एक रिफ्रेश साइकिल को रन करने के लिए इसमें होता यह है कि जो रिफ्रेश कंट्रोल सर्किटरी है डायनामिक रैम के अंदर वो एक इंटरनल काउंटर को सिलेक्ट कर देती है सो इंटरनल काउंटर जो है वो रिस्पॉन्सबल है डिफरेंट रो एड्रेस जनरेट करने के लिए और उसकी मदद से हम जो है पूरी डायनामिक रैम को आ, रिफ्रेश कर लेते हैं बेसिकली अगर आपने आपके पास वो पुराना डायग्राम हो जो हमने डिस्कस किया था उसको अगर देखें एक डाटा सिलेक्टर लगा हुआ है डाटा सिलेक्टर के दो इनपुट्स हैं एक जो इनपुट है ये इंटरनल जो काउंटर है उससे आ रहा है और दूसरा जो इनपुट है एड्रेस लैच से आ रहा है एड्रेस लैच बेसिकली एक्सटर्नल एड्रेस लाइंस के साथ कनेक्टेड है सो सी एस बिफोर आर एस में जो डाटा सिलेक्टर है वो सिलेक्ट कर लेता है इंटरनल काउंटर को सो इंटरनल काउंटर से जो एड्रेस जनरेट हो रहे हैं जो रो एड्रेस जनरेट हो रहे हैं वो आगे एड्रेस डी के पास जा रहे हैं रो डी के पास जा रहे हैं जो कि वन रो एट ए टाइम सेलेक्ट कर रहा है डायनामिक रैम की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं जैसे हमने स्टैटिक रैम में देखा था एक सिंक्रोनस रैम थी ए सिंकोनस रैम थी स्टैटिक रैम थी इसी तरह डायनामिक रैम में भी डिफरेंट मोड्स हैं एक तो फास्ट पेज मोड है फास्ट पेज मोड में हमने बताया कि शुरू में एक रो सेलेक्ट कर लेंगे फिर इंटरनली जो है कॉलम एड्रेस इंक्रीमेंट होंगे जो कॉन्टिनस लोकेशनज हैं उस रो पे सेल्स जो हैं वो बारी बारी एक्सेस होंगे रीड राइट कर सकते हैं इसकी वजह से हम फास्ट एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इसमें जो इशू है बेसिकली जो ही सी एस सिग्नल डीएक्टिवेट होता है उसकी वजह से जो डाटा आउट बफर है वो भी डिसलेक्ट uh, हो जाता है दैट मींस आप इंफॉर्मेशन आउटपुट पे पढ़ नहीं सकते दैट so, मींस आप को पहले इन्फॉर्मेशन जो है जो प्रोसेसर है माइक्रो प्रोसेसर है वो इन्फॉर्मेशन पड़ेगा उसके बाद सी एस सिग्नल को डीएक्टिवेट करना है सो so, अगर माइक्रो प्रोसेसर लेट्स से स्लो है या किसी और काम में बिजी है उसने इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी तो सी एस सिग्नल को डीएक्टिवेट नहीं करना सो so, इसकी वजह से जो डाटा रेट है जिसपे डाटा ट्रांसफ़र होता है वो स्लो डाउन हो जाएगा हमारे पास दूसरी टाइप की डायनामिक रैम है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड आउटपुट डायनामिक रैम एक्सटेंडेड आउटपुट डायनामिक रैम में इसी तरह फास्ट मो पेज मोड होगा जिसमें आप रो एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे उसके बाद इंटरनली कॉलम एड्रेसेज जो हैं इंक्रीमेंट हो रहे हैं जब आप कॉलम एड्रेस ट्रोव अप्लाई कर रहे हैं इसमें होता यह है कि जो सी एस सिग्नल जब इन डीएक्टिवेट होगा उसकी वजह से डाटा आउटपुट बफर जो है वो डीएक्टिवेट नहीं होता दैट मीन्स डाटा उस पर मौजूद है ये उस वक्त भी एक्टिवेट होगा जब आप नेक्स्ट सी एस सिग्नल को एक्टिवेट कर रहे हैं सो so, आपके पास मजीद टाइम मिल जाता है फॉर रीडिंग दी डायरा सो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है तीसरी जो टाइप है वो सिंक्रोनस डायनामिक रैम है जो पहले हम डिस्कस करते आ रहे हैं वो है बेसिकली ए सिंकोनस डायनामिक रैम सिंक्रस डनामिक रैम में अगेन लैचेज हैं और ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है और वो माइक्रोफर के क्लॉक की मदद से चल रही है आइए अब हम बात करते हैं रीड ऑनली मेमोरी रैम रीड ओनली मेमोरी जब हमने शुरू में डिस्कस किया था हम कह रहे थे कि ये इस मेमोरी से हम सिंपली इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं इसमें लिख नहीं सकते यूज़ कहाँ हो रहा है बेसिकली हम ये कह रहे थे कि कोई भी डिजिटल सिस्टम है जब आप ऑन करें उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए ताकि वो अपने आप को इनिशलाइज़ कर ले या बूट अप जिसको कहते हैं सो so, बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये बहुत कम होती हैं जो कि एक छोटी सी रैम में आप स्टोर कर सकते हैं अब ऑफकोर्स इसको इस इंफॉर्मेशन को चेंज आपने नहीं करना अगर आप चेंज करेंगे तो दैट मीन नेक्स्ट टाइम जब सिस्टम को ऑन करेंगे तो वो प्रॉपरली ऑन नहीं होगा इनिशलाइज नहीं होगा उसमें रोम का जो स्ट्रक्चर है काफ़ी सिंपल है वो हम देखेंगे कि क्या स्ट्रक्चर है कैसे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है रोम की डिफरेंट टाइप्स हैं आइए पहले एक ब्रीफली देख लेते हैं कि कितनी टाइप्स हैं और कैसे हम इनको यूज करते हैं रोम जो है जो बेसिक रोम है उसको हम कहेंगे मास्क रोम ये जो है मैनुफैक्चर ये ख़ुद से उसको प्रोग्राम कर देगा उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते मैनुफैक्चर भी इसको चेंज नहीं कर सकता सो वंस ओनली है मैनुफैक्चरिंग टाइम पे आप इंफॉर्मेशन उसमें राइट कर रहे हैं एक दूसरी टाइप की रोम है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामेबल रोम पी रोम नॉर्मली किताबों में बुक्स में डाटा शीट्स में आपको नज़र आएगा प्रोग्रामेबल जो रोम है बेसिकली एक दफ़ा आप प्रोग्राम कर सकते हैं लेट्स से आप कोई यूज़र हैं कोई एप्लीकेशन आप बनाते हैं उसमें आपको एक पी रोम लगानी है सो so इनफॉर्मेशन जो है पी रोम में आप बर्न कर देंगे उसके बाद आप उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते तो एक बार प्रोग्राम करने की फैसिलिटी है आपके पास इसके अलावा जो है इरेजेबल प्रॉम्स हैं उन दैट मीन्स रोम बेसिकली है जिनको आप बार बार इरेज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन जो है उसमें से आप रिमूव कर सकते हैं और उसको दोबारा से प्रोग्राम कर सकते हैं बेसिकली इस किस्म की जो प्रोग्रामेबल रोम है रिजेबल प्रोग्रामेबल जो रोम है ये उधर इस्तेमाल होगी जैसे लैब वर्क में आपको इंफॉमेसन जो को आप सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपने इन्फॉर्मेशन पहले डाली टेस्ट किया आपको नज़र आता है कि भाई सिस्टम दोबारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो आप दोबारा इन्फॉर्मेशन उसमें प्रोग्राम करेंगे जब फाइनलाइज हो जाएगा सर्किट तो फिर आप बेसिकली एक मास्क रोम जो है उसको प्रोग्राम करके लगा सकते हैं उसमें जो इरेजेबल प्रोग्रामेबल राम्स हैं दो किस्म की होती हैं एक जो है उसको यू वी कहते हैं यू का मतलब है अल्ट्रा वॉयट सो बेसिकली जो राम है उसमें आपने प्रोग्राम कर दी इन्फॉर्मेशन आपने इरेज करनी है तो उसको एक अल्ट्रा वॉयट इंटेंस सोर्स ऑफ अल्ट्रा वॉयट उसके नीचे रखेंगे और कुछ मिनट्स के बाद जो इंफॉमेसन है वो रिमूव हो जाएगी दूसरी जो ई प्रॉम है उसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम कहेंगे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल जैसे नाम से ज़ाहिर है अब इलेक्ट्रिक पल्सेस की सूरत में उसको प्रोग्राम करेंगे और इसी तरह उसको इरेज भी इसी तरह करेंगे अब क्योंकि आपको प्रॉम जो है वो सर्किट से निकालनी नहीं पड़ते यूवी लाइट के नीचे यूवी लाइट के नीचे रखने के लिए सो बेसिकली सर्किट में रहते हुए उधर आप डायरेक्टली प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं सो so बेसिकली ये दो तीन किस्में हैं रोम की आइए देखते हैं कि जो मास्क रोम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं बेसिकली एक सेल जो है जो कि वन या जीरो को स्टोर करता है वो एक ट्रांजिस्टर की मदद से इम्प्लीमेंट किया जाता है ट्रांजिस्टर जो पहले हम पढ़ते आ रहे हैं मोसफे ट्रांजिस्टर है जिसका गेट जो है वो एक रो लाइन लाइन के साथ कनेक्टेड है और ट्रांजिस्टर का जो आउटपुट है वो एक कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है सो so, जो भी ट्रांजिस्टर्स एक रो के साथ कनेक्टेड हैं उनके गेट्स कनेक्टेड हैं जो ही एक रो सेलेक्ट होती है वो सारे ट्रांजिस्टर्स बेसिकली एक्टिवेट हो जाएंगे ऑन हो जाएंगे इन सारे ट्रांजिस्टर की जो आउटपुट लाइन है वो कॉलम के साथ कनेक्टेड है सो so कॉलम पे वो इंफॉमेशन आ जाएगी सो so एक ट्रांजिस्टर जो गेट के साथ जो जिसका गेट रो के साथ कनेक्टेड है जब गेट एक्टिवेट होगा ट्रांजिस्टर ऑन हुआ आउटपुट पे हमें फाइव वोल्ट्स आ जाएंगे दैट मीन्स लॉजिक वन आ जाएगा अगर आपने लॉजिक ज़ीरो प्रोग्राम करना है तो बेसिकली क्या करेंगे जो कनेक्शन है बिटवीन दी गेट एंड दी रो वो आपने रिमूव करना है सो बेसिकली आई देखते हैं कि जो एक सेल है जिसमें हमने लॉजिक वन प्रोग्राम किया हुआ है लॉजिक ज़ीरो प्रोग्राम किया हुआ है ये कैसे दिखाई दे रहे हैं और इनके सर्किट्स को डिस्कस करते हैं रोम सेल का सर्किट डायग्राम दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे एक ट्रांजिस्टर है जिसका गेट रो लाइन के साथ कनेक्टेड है उसका आउटपुट जो है कॉलम लाइन के साथ कनेक्टेड है जो ही रो सेलेक्ट होगी ट्रांजिस्टर ऑन हो जाएगा और आउटपुट कॉलम लाइन पे 5 वोल्ट्स आ जाएंगे 5 वोल्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं लॉजिक वन को राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें उसी तरह का ट्रांजिस्टर है तो उसका जो गेट है वो रो के साथ कनेक्टेड नहीं है अब जब रो सेलेक्ट होती है ट्रांजिस्टर सेलेक्ट नहीं होगा सो आउटपुट

सिंपली एक ट्रांजिस्टर की मदद से हम एक बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं सो so, अगर ट्रांजिस्टर रो के साथ कनेक्टेड है वन स्टोर हो रहा है अगर डिस्कुनड है उसका गेट जो है रो के साथ कनेक्शन नहीं है जीरो स्टोर हो रहा है बेसिकली रोम जो है उसी तरह एक अरे की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ होगी उसके नंबर ऑफ रोज होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे सो so, कोई भी सेल अगर आपने एक्सेस करना है बेसिकली रीड करना है राइट तो कर नहीं सकते सो अगेन एड्रेस भेजेंगे एड्रेस जो है वो डी कोड होगा अप्रोप्रिएट रो सेलेक्ट होगी अप्रोप्रिएट कॉलम सेलेक्ट होगा और इधर से इंफॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं सो so, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं एक सिंपल लग से एट रोज हैं और चार कॉलम्स हैं सो so बेसिकली कितनी इंफॉमेसन स्टोर होगी और ये ट्रांजिस्टर्स कैसे एक्सेस होंगे बेसिकली एट अगर रोज हैं और फोर कॉलम्स हैं सो so हम बेसिकली फोर बेट इंफॉर्मेशन एट लोकेशन में स्टोर कर रहे हैं लेकिन हर रो के साथ चार ट्रांजिस्टर्स कनेक्टेड हैं सो लेट अस सपोज के पहली रो में हम वन 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 स्टोर करना चाह रहे हैं जो कि हम पढ़ सकते हैं सो so बेसिकली पहली रो के साथ चारों ट्रांजिस्टर के गेट्स कनेक्टेड होंगे सो so जो ही आप एड्रेस भेजते हैं पहले लोकेशन का पहली रो सेलेक्ट हो जाएगी जिसकी मदद मतलब से चार ट्रांजिस्टर्स ऑन हो जाएंगे उन चारों ट्रांजिस्टर के जो आउटपुट हैं वो अप्रोप्रिएट कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम लाइंस के साथ कनेक्टेड हैं और कॉलम लाइंस से हम डाटा पढ़ सकते हैं लेट इज सपोज जो सेकंड रो है या सेकंड लोकेशन है उसमें सारे जीरोस स्टोर किए हुए हैं सो so, सारे ज़ीरो स्टोर स्टोर करने का मतलब ये है कि उस सेकेंड रो पे जो चार ट्रांजिस्टर्स हैं उन चारों के गेट्स जो हैं रो के साथ कनेक्टेड नहीं हैं सो बेसिकली जब आप एड्रेस भेजते हैं सेकेंड रो का सेकेंड रो सेलेक्ट होगी ट्रांजिस्टर्स क्योंकि सेलेक्ट नहीं हो रहे क्योंकि कनेक्शन नहीं है उनका उनके चारों कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स आउटपुट पे जीरोस आएंगे सो so, अब जब इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे आपको चार जीरोस मिलेंगे इसी तरह लेट अस सपोज कि तीसरी रो में जो चार ट्रांजिस्टर्स हैं वन वन जीरो ज़ीरो स्टोर किया हुआ है सो अगेन बेसिकली क्या होगा पहले जो दो ट्रांजिस्टर्स हैं वो रो के साथ कनेक्टेड हैं उनका गेट का कनेक्शन होगा जो नेक्स्ट टू ट्रांजिस्टर्स हैं उनका गेट कनेक्शन रो के साथ नहीं होगा सो अगेन जब आप एड्रेस भेजते हैं तीसरी रो सेलेक्ट होगी पहले दो ट्रांजिस्टर का आउटपुट कोर्स 5 वोल्ट 5 वोल्ट होगा लॉजिक वन और दूसरे जो नेक्स्ट टू ट्रांजिस्टर्स हैं उनका आउटपुट जीरो होगा तो आप आउटपुट पे वन वन जीरो जीरो पढ़ सकते हैं ये जो भी आपने स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया है बेसिकली बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है एक ही डिकोडर चाहिए जिससे आप रोज़ सेलेक्ट कर रहे हैं कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका रोम का साइज़ बढ़ जाता है तो अगेन जो ऐसे हमने रैम में डिस्कस किया था डिकोडर का साइज़ भी बढ़ जाएगा जिसकी वजह से डिले आएगा एक्सेस टाइम जो है बढ़ जाएगा सो डी कोडर्स के साइज़ को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली एड्रेस को स्प्लिट कर रहे हैं इनटू रो एड्रेस एंड कॉलम एड्रेस सो उसी तरीके से जब आप एड्रेस अप्लाई करते हैं उनको स्प्लिट कर लिया जाता है रो एड्रेस डी कोडर जो है रो सेलेक्ट करेगा और कॉलम एड्रेस डी कोडर जो है कॉलम्स को सिलेक्ट करेगा सो so, जहाँ एक रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट करें बेसिकली वो सेल सेलेक्ट करते हैं उधर से हम इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं रीड कर लेते हैं उसमें सो so, आइए देखते हैं पहले ये जो हमने सिंपल डिस्क्रिप्शन की थी एक रोम की उस स्ट्रक्चर को देख लेते हैं और उसके बाद फिर एक एक्चुअल रोम को देखते हैं जो कि रो और कॉलम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज है और सिलेक्ट होता है डायग्राम में रोम का जनरल आर्किटेक्चर दिखाया गया जिसमें सिर्फ एक एड्रेस डी है इस रोम में बेसिकली सिक्सटीन लोकेशन हैं और सिक्सटीन लोकेशन पे एक बाइट स्टोर हो रही है सो एट ए टाइम जब एक लोकेशन सेलेक्ट होती है एक बाइट पढ़ सकते हैं सो इनपुट ऑफ कोर्स फोर हैं क्योंकि सिक्सटीन लोकेशन हैं टू रेस्ट पावर फोर जो है सिक्सटीन बनता है एड्रेस डी कोडर के कोर्स चार इनपुट्स हैं और सोलह आउटपुट्स हैं डिपेंडिंग ऑन दी एड्रेस इनपुट एक आउटपुट सेलेक्ट होगा जिसकी मदद से हम एक रो को सिलेक्ट कर रहे हैं जो स्क्वेयर दिखाए गए हैं ये बेसिकली रिप्रजेंट कर रहे हैं ट्रांजिस्टर को जिसका गेट रो के साथ कनेक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है डिपेंड करता है कि लॉजिक वन स्टोर हुआ हुआ है या जीरो स्टोर हुआ हुआ है सो लेट लेटर सपोज एक एड्रेस आपने अप्लाई किया जिसकी वजह से रो टू सेलेक्ट हो जाती है रो टू में जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे अगर उनका गेट जो है उस रो के साथ कनेक्टेड है अगर उनका गेट कनेक्टेड नहीं है सो आउटपुट पे जीरो आएगा वर्टिकल जो लाइंस दिखाई गई हैं वो कॉलम लाइंस हैं सो इन पे इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं डाटा आउटपुट पर जैसा कि हमने बताया एक्चुअल जो रोम है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ए अरे जिसके रोज भी हैं उनको एंड कॉलम्स भी हैं रोज़ को सेपरेटली सेलेक्ट करना है और कॉलम्स को सेपरेटली सेलेक्ट करना है डायग्राम में एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ए 264 सिक्स फोर इन फोर रोम दिखाया गया है दैट मीन्स टू सिक्सटी फोर लोकेशन हैं और हर लोकेशन पे फोर बेड्स या एक नेबल स्टोर्ड है डायग्राम में जैसा कि मेमोरी अरे में दिखाया गया है इट्स थर्टी टू बाई थर्टी टू अरे दैट मीन थर्टी टू रोज हैं और 32 कॉलम्स हैं सो ये 264 सिक्सटी फोर रोम जो है 32 टू 32 थर्टी अरे में कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है आइए ज़रा इसको डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे एक रो डिकोडर दिखाया गया जिसकी फाइव इनपुट एड्रेस लाइंस हैं दैट मीन्स रो जो डिकोडर है फाइव एड्रेस बिट्स को डी कर रहा है इसके आउटपुट में थर्टी टू होंगी दैट मीन्स थर्टी रोज होंगे नीचे जो है कॉलम डी कोडर एंड आईओ सर्किट्स के नाम से एक ब्लॉक दिखाया गया है जिसके इनपुट पे तीन कॉलम एड्रेस लाइंस हैं सो टोटल जो एड्रेस है 264 लोकेशंस को सिलेक्ट करने के लिए बेसिकली आठ लाइंस चाहिए फाइव जो लाइंस हैं वो रो डी कोडर डी कोड कर रहा है जिसकी मदद से हम एक रो सिलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ थर्टी जो तीन मजीद एड्रेस लाइन्स हैं उनको कॉलम डी जो है वो डी कर रहा है जिसकी वजह से हम आठ बेसिकली आउटपुट लाइंस को या कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं इधर जो ऑर्गेनाइज किया हुआ इसमें columns, 32 है इसमें बेसिकली कॉलम लाइन्स थर्टी हैं आठ नहीं हैं डी बेसिकली इम्प्लीमेंट किया गया है एट इंटू वन मल्टीप्लेक्स की मदद से सो फोर एट इंटू वन मल्टीप्लेक्सेस यूज किए गए हैं सो हर मल्टीप्लेक्सर पे एक नेबल का एक बिट so, कनेक्टेड है सो लेट अस सपोज एक नेबल है उसका पहला वाला बिट जो है वो पहले वाले एट टू वन मल्टीप्लेक्सर के इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा नेबल का जो दूसरा बिट है वो दूसरा जो एट टू वन मल्टीप्लेक्सर है उसके पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा इसी तरह जो तीसरा बिट है नेबल का वो तीसरे एट टू वन मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा और इसी तरह चौथा जो बिट है नेबल का वो चौथे एट टू वन मल्टीप्लेक्सर के पहले वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा सो जो चारों मल्टीप्लेक्सेस हैं वो साइमल्टेनियसली उनके इनपुट्स सेलेक्ट होते हैं सो so, अगर कॉलम एड्रेस लाइंस पे 000 है चारों मल्टीप्लेक्सेस के पहले वाले इनपुट्स सेलेक्ट हो जाएंगे और आउटपुट पे जो भी इंफॉर्मेशन है पहले वाले इनपुट पे वो आउटपुट पे आ जाएगी इसी तरह जो नेक्स्ट नेबल है उसकी चार पिट्स जो हैं सेकेंड इनपुट्स चारों मल्टीप्लेक्सेस के साथ कनेक्टेड है सो so, अगर कॉलम एड्रेस पे टू आ रहा है सो सेकेंड इनपुट सेलेक्ट हो जाएगा और आउटपुट पे सेकंड नेबल जो है वो इंफॉर्मेशन हम पढ़ सकते हैं सबसे नीचे चिप इनेबल सर्किट दिखाया गया है बेसिकली एक एंड गेट है जिसके इन्वर्टेड इनपुट्स हैं चिप इनेबल जब हम करेंगे तो आउटपुट बफर जो है वो एक्टिवेट हो रहा है इसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं अगर चिप इनेबल एक्टिव नहीं है आउटपुट बफर सेलेक्ट नहीं होंगे हम इंफॉर्मेशन नहीं पढ़ सकते अभी हमने जनरल आर्किटेक्चर देखा शुरू में एक जनरल आर्किटेक्चर डिस्क्राइब किया था जिसमें एक ही डिकोडर लगा हुआ था डिकोडर की मदद मतलब से हम डिफरेंट रोज सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ सकते हैं फिर हमने बात की थी जब आपका रॉम साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है तो एक डिकोडर हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि डिकोडर में बहुत सारे गेट्स यूज़ होंगे जिसकी वजह से एक्सेस टाइम बढ़ जाएगा आपको इंफॉमेशन लेट आप पड़ेंगे सो एक्सेस टाइम को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली आपने डी डिज़ाइन को सिम्प्लीफाई करना है सो so, उसी तरह जिस तरह हमने रैम में किया था एड्रेस इनपुट को आप स्प्लिट कर रहे हैं एंड टू कॉलम एड्रेस एंड रो एड्रेस दो बेसिकली डी आप यूज़ कर रहे हैं जो कॉलम डी है बेसिकली वो बना हुआ है मल्टीप्लेक्सेस की हेल्प से सो इन दो डी की मदद से हम एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं उधर से इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं आइए अब नेक्स्ट बात करते हैं रोम एप्लीकेशन पे रोम कहाँ अप्लाई हो रहा है सबसे पहले हमने शुरू में बात की थी कि रोम जो है बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको स्टोर करने के लिए काम आता है जब भी सिस्टम आप ऑन करेंगे वो इन्फॉर्मेशन रोम से पढ़ेगा अपने आप को एनिशलाइज़ कर लेगा इसके अलावा रोम हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन बेसिकली कन्वर्जन क्या है लेट्स सपोज के आपके पास एक बाइनरी इन्फॉर्मेशन है फोर बिट बाइनरी इन्फॉमेसन है ज़ीरो वन टू थ्री फोर सो वन उसको आपने ग्रे कोड में बाइनरी कोड है ग्रे कोड में आपने कन्वर्ट करना है सो so, सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक रॉम लें उसके एड्रेस ज़ीरो पे ग्रे कोड का एकवलेंट जीरो आप स्टोर कर दें इसी तरह पहली लोकेशन पे एड्रेस वन पे आप ग्रे कोड जो इक्विवेलेंट वन है वो स्टोर कर दें इसी तरह जो लोकेशन टेन होगी उसमें बाइनरी जो है टेन वन ज़ीरो वन ज़ीरो उसका जो ग्रे कोड इक्विवेलेंट है वो आप स्टोर कर दें सो so, जब आपने कन्वर्ट करना है किसी भी एक नंबर को आप नंबर जो है एज एन एड्रेस जनरेट करें वो रॉम के इनपुट पर अप्लाई करें आप रीड सिग्नल को एक्टिवेट कर दें उस लोकेशन पर जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आप पढ़ सकेंगे थोड़ी देर में इस रॉम को देखते हैं उसके कंटेंट्स को देखते हैं और किन एड्रेसेस पे ये कंटेंट्स पड़े हुए हैं इसके बाद हम देखेंगे रीड साइकिल ऑफ कोर्स रॉम में जैसे हमने डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ रीड कर सकते हैं राइट नहीं कर सकते तो रीड साइकिल कैसा होगा उसके टाइमिंग्स जो हैं पैरामीटर्स वो क्या होंगे वो हम नेक्स्ट देखते हैं तो आइए पहले हम देखते हैं रॉम के कॉन्टेंट्स को जब रॉम यूज़ हो रहा है फॉर एन एप्लीकेशन उसके बाद रीड साइकिल uh, को बिफोर वी हैवे लुक एट दी रॉन्ग कॉन्टेंट्स एंड रीड साइकिल कुछ और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं एक एप्लीकेशन जो है बेसिकली लुकअप टेबल अगेन कन्वर्जन जो टेबल है उससे मिलता जुलता है लुकअप टेबल में भी कुछ वैल्यूज़ होंगी आप एड्रेस जनरेट करते हैं जो अप्रोप्रिएट वैल्यू है उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं सो कन्वर्जन टेबल लुकअप टेबल्स मिलते जुलती चीज़ें हैं सो so, आइए देखते हैं इनके कॉन्टेंट्स को डायग्राम में एक 16 लोकेशन 4 बिट रॉम दिखाया गया जिस है जिसमें 16 डिफरेंट वैल्यूज स्टोर्ड हैं और हर वैल्यू जो है फोर बिट की है सो एड्रेस जीरो पे इंफॉर्मेशन जो स्टोर है वो जीरो 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 है इसी तरह पहले एड्रेस पे वन स्टोर है एड्रेस टू पे ज़ीरो जीरो वन वन है बेसिकली ये ग्रो ग्रे कोड है फॉर बाइनरी टू इसी तरह एड्रेस थ्री पे जीरो जीरो वन ज़ीरो स्टोर है जो कि है ग्रे कोड फॉर बाइनरी थ्री लास्ट लोकेशन पे अगर आप देखें वन 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 पे जो कि फिफ्टीन बनता है सो so इसका जो एक्वलेंट ग्रे कोड एक्वलेंट है वो वन जीरो ज़ीरो ज़ीरो है सो so अगर आपने बाइनरी कोड को ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है सिंपली आप एड्रेस जनरेट करेंगे उस एड्रेस पे जो भी इंफॉर्मेशन होगी जो भी डाटा इंफॉर्मेशन होगी वो रिप्रेजेंट करेगा उसका ग्रे कोड इक्विवेलेंट। सो लेट अस सपोज आप एड्रेस 0111 जनरेट कर रहे हैं जो कि बाइनरी कोड 7 है इस लोकेशन पे 0100 पड़ा हुआ है जो कि ग्रे कोड 7 का इक्विवेलेंट है इसी तरह अगर 1001 जनरेट करते हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी नाइन को इसका जो ग्रे कोड इक्विवेलेंट है वो वन वन है वो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डाटा सेल्स में पड़ा हुआ है जो कि आप रीड कर सकते हैं डायग्राम में रॉम का रीड साइकिल टाइम दिखाया गया है काफ़ी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है सबसे पहले जो है वैलिड एड्रेस सिग्नल दिखाया गया है उसके बाद चिप सेलेक्ट सिग्नल दिखाया गया और सबसे नीचे डेरा सिग्नल दिखाया गया सो so, कोई भी इंफॉर्मेशन रॉम से पढ़नी है तो पहले एड्रेस अप्लाई करना होगा तो उसको स्टेबल मेंटेन करना है जब तक इंफॉर्मेशन पढ़ ना ली जाए सो एड्रेस वैलिड हो गया उसके बाद चिप सेलेक्ट चिप सेलेक्ट इधर पहले एक्टिवेट हो रहा है बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं उसमें डाटा जो है वो एक ख़ास टाइम के बाद अवेलेबल होगा जिसको हम कहते हैं एक्सेस टाइम एड्रेस अप्लाई किया एड्रेस के स्टेबल होने के बाद जो है एक मिनिमम टाइम लगेगा उसके बाद इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस टाइम को हम एक्सेस टाइम कह रहे हैं रोम का रीड साइकिल देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है जिस तरह हम रैम में कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से अपने एड्रेस अप्लाई करना है चिप सेलेक्ट सिग्नल को एक्टिवेट करना है और उसके थोड़ी देर बाद आपके पास इंफॉर्मेशन डाटा लाइंस पे आ जाएगी जो एड्रेस और डाटा की अवेलेबलिटी में जो डिले है उसको हम रैम रोम का एक्सेस टाइम कहेंगे एक्सेस टाइम डिले कहेंगे अगर रोम फास्ट है तो ये जो एक्सेस टाइम में कम होगा अगर रोम स्लो है तो ये एक्सेस टाइम ज़्यादा होगा आइए अब बात करते हैं पी रोम्स पे प्रोग्रामेबल रोम्स पे। प्रोग्रामेबल रोम जो है जो पहली टाइप की है जिसको हम एक दफ़ा प्रोग्राम कर सकते हैं उसके बाद प्रोग्राम नहीं कर सकते बेसिकली उसका स्ट्रक्चर क्या होगा उसका स्ट्रक्चर जो मास्क रोम है उससे बिल्कुल आइडेंटिकल है वही ट्रांजिस्टर है जिसका गेट रो के साथ कनेक्टेड है और आउटपुट जो है कॉलम के साथ कनेक्टेड है कॉलम और आउटपुट जो पॉइंट है ट्रांजिस्टर का उसके दरमियान एक फ्यूज़ लगाया जाता है सो so, अगर आपने प्रोग्राम करना शुरू में जब आप पी रोम को प्रोग्राम करेंगे प्रोग्राम करने से पहले सारे फ्यूज़ इंटैक्ट्स हैं इंटैक्ट हैं जो ही आप प्रोग्राम करेंगे आपने वन स्टोर करना है तो फ्यूज़ को आपने ब्लो नहीं करना उसको रहने देना है सो दैट मीन्स ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कॉलम के साथ है जब भी रो सेलेक्ट होगी ट्रांजिस्टर एक्टिवेट हो जाएगा ऑन हो जाएगा आउटपुट पे आपके पास फाइव वोल्ट्स आ जाएंगे लॉजिक वन को रिप्रेजेंट कर रहा है अगर आप जो फ्यूज़ है ट्रांजिस्टर और कॉलम के दरमियान उसको आप हटा देते हैं दैट मीन्स कनेक्शन जो है ट्रांजिस्टर के आउटपुट का कॉलम से ख़त्म हो गया सो so अगेन अगर ट्रांजिस्टर सेलेक्ट होता है बाय सेलेक्टिंग द रो उसके आउटपुट जो है वो फाइव वोल्ट होगा पर क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है कॉलम के साथ तो इधर इंफॉर्मेशन नहीं आएगी अब ये फ्यूज़ जो है क्योंकि आप एक दफ़ा जब इसको हटा देंगे बंद कर देंगे तो दोबारा आप फ्यूज जोड़ नहीं सकते दैट्स वाई हम कहते हैं कि जो पी रोम है इट्स प्रोग्राम वंस एक दफा हमने प्रोग्राम कर दिया उसके कॉन्टेंट्स आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते थोड़ी देर में इसका डायग्राम को देखते हैं कि पी रोम के जो ट्रांजिस्टर्स हैं फ्यूज़ कैसे लगे हुए हैं और कॉलम और ट्रांजिस्टर के दरमियान जब ब्लो कर देते हैं तो क्या होगा नेक्स्ट जो है यू वी ई प्रोम यू वी ई प्रोम जो है सिमिलर स्ट्रक्चर है ट्रांजिस्टर है उसको हम बार बार प्रोग्राम कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं इरेज कैसे करते हैं यू वी लाइट के नीचे रख के इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर तो नहीं देखते इसका हम देखते हैं जनरल सिंबल एड्रेस लाइंस कितनी हैं डाटा लाइंस कितनी हैं और जो कंट्रोल सिग्नल्स हैं वो कौन से हैं और इसको प्रोग्राम कैसे करते हैं सो so आइए पहले देखते हैं पी रोम का स्ट्रक्चर उसके बाद जो है ई e प्रोम जो है यू वी ई प्रोम जो है उसके सिंबल को और उसके प्रोग्रामिंग टेक्निक को डायग्राम में एक प्रोग्रामेबल रोम अरे दिखाई गई है जिसमें नौ ट्रांजिस्टर्स दिखाए गए हैं सो तीन रोज हैं और तीन रोज में तीन ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं ट्रांजिस्टर के इनपुट्स जो हैं जो गेट है वो कॉलम रो के साथ कनेक्टेड है और जो आउटपुट है वो कॉलम के साथ कनेक्टेड है थ्रू ए फ्यूज़ सो अगर फ्यूज़ इंटैक्ट है और रो सेलेक्ट हो जाती है लेट्स से पहली वाली रो सेलेक्ट होती है तो तीनों ट्रांजिस्टर जो हैं वो ऑन हो जाएंगे इनके आउटपुट्स जो हैं फाइव वोल्ट होंगे और वो कॉरस्पॉन्डिंग जो तीन कॉलम्स हैं उन पर दिखाई दिए जाएंगे सो so, उधर से ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली रीड की जा सकती है लेट सपोज जो लास्ट टू ट्रांजिस्टर्स हैं उनके जो दो फ्यूज़ हैं जो कि ट्रांजिस्टर के आउटपुट को कॉलम से कनेक्ट कर रहे हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं सो so, अब नेक्स्ट टाइम जब रो सेलेक्ट होगी तो पहला वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका आउटपुट जो है पहले वाले कॉलम पे अवेलेबल होगा सेकेंड वाला जो ट्रांजिस्टर है उसका आउटपुट फाइव वोल्ट होगा पर क्योंकि फ्यूज़ हमने रिमूव कर दिए कॉलम पर यह इन्फॉमेशन नहीं आएगी इसी तरह जो आखिरी वाला ट्रांजिस्टर है तीसरा जो ट्रांजिस्टर है वो भी एक्टिवेट तो हो जाएगा उसके आउटपुट पे 5 वोल्ट होंगे पर वो कॉलम पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगी क्योंकि फ्यूज ब्लो कर दिया है अब फ्यूज़ एक दफा जब ब्लो कर दिया जाए दोबारा से हम उसको जोड़ नहीं सकते सो दैट मीन्स जो पी राम है वो प्रोग्राम वंस है डायग्राम में एक टू किलो की ई प्रॉम दिखाई गई है जो कि यू वी ई प्रॉम है इसको अल्ट्रा वॉयट के ला, लाइट के नीचे रखें तो इसके कंटेंट्स एरेज हो जाएंगे बेसिकली इस किस्म के ई प्रॉम्स के पैकेज के ऊपर सेंटर में एक क्वार्ट विंडो होती है जो मेमोरी सर्किट जो है जो इंटीग्रेटेड सर्किट है इसके नीचे उसको एक्सपोज करती है यूवी लाइट को आइए देखते हैं इसके सिग्नल्स बेसिकली टू किलो बाइट रॉम है सो ग्यारह एड्रेस लाइन्स चाहिए टू के डिफरेंट लोकेशन को एक्सेस करने के लिए टू के बाइट है दैट मीन्स हर लोकेशन पे एक बाइट स्टोर हो रहा है सो so देय आपको एट डाटा लाइन्स चाहिए जो आउटपुट लाइन्स हैं क्योंकि आप ई प्रॉम में इंफॉर्मेशन लिख नहीं सकते नॉर्मली इसको ऑफ कोर्स ई प्रम प्रोग्रामर में रख के उधर इंफॉर्मेशन लिखी जा सकती है विद द हेल्प ऑफ सम कंट्रोल सिग्नल्स नॉर्मल यूज में जो डाटा लाइंस हैं उनको एज आउटपुट लाइंस ही यूज किया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे आउटपुट इनेबल सिग्नल है एक्टिव लो सिग्नल है सो नॉर्मल ऑपरेशन में ई e प्रॉम जब यूज़ हो रहा है रीड इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए ये सिग्नल एक्टिव लो सेट किया जाएगा राइट हैंड साइड पे दो सिग्नल्स दिखाए गए हैं चिप इेबल एक्टिव लो है और साथ में ऑब्लिक प्रोग्राम पी लिखा हुआ है बेसिकली ये सिग्नल यूज होता है प्रोग्रामिंग के लिए उसके नीचे वी सिग्नल दिखाया गया है सो नॉर्मल रीड ऑपरेशन में जैसा कि हमने पहले बताया आउटपुट इनेबल सिग्नल लो होगा और चिप इनेबल सिग्नल भी लो होगा एड्रेस सप्लाई करेंगे एड्रेस की मदद मतलब से एक लोकेशन सिलेक्ट होगी जिस पे एट बिट्स स्टोर्ड हैं वो इन्फॉर्मेशन डाटा आउटपुट लाइंस पे आ जाएगी प्रोग्राम करने के लिए जो सी ई प्रोग्राम सिग्नल है उसको यूज़ करना है और वी पी पी सिग्नल यूज़ करना है वी पी पी सिग्नल हाई डी सी वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देते हैं और प्रोग्राम जो सिग्नल है उस पर हम पल्सेस डी सी अप्लाई करते हैं सो लेट्स सपोज पहले एड्रेस पे ऑल वंस स्टोर करने हैं सो so, प्रोग्रामिंग करने के लिए एड्रेस आप अप्लाई करेंगे जिस के सारे बिट्स जीरो होंगे क्योंकि पहली लोकेशन में आपने इंफॉमेशन स्टोर करनी है डाटा लाइंस पे सारे वंस अप्लाई करेंगे वीपीपी हाई डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्टेड है प्रोग्राम पिन पे आप पल्स भेजेंगे जिसकी वजह से इन्फॉर्मेशन जो है पहले एड्रेस पे लैच हो जाएगी या स्टोर हो जाएगी इसी तरह आप एड्रेस अगर इंक्रीमेंट कर दें डाटा इन्फॉर्मेशन जो डाटा लाइन्स पर अप्लाई हुई है उसको भी आप चेंज कर दें प्रोग्राम जो सिग्नल है उस पर एक और पल्स अप्लाई करें सो नेक्स्ट एड बिट इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंड एड्रेस पे स्टोर हो जाएगी सो कम्प्लीट ई प्रॉम को प्रोग्राम करने के लिए एक काउंटर यूज़ होगा जो कि एड्रेस को इंक्रीमेंट कर रहा है और साथ में जो डाटा इन्फॉर्मेशन है वो भी चेंज होगी अभी हमने पीराम का स्ट्रक्चर देखा बेसिकली फ्यूजेस कनेक्ट कर रहे हैं कॉलम को ट्रांजिस्टर के आउटपुट से वो ब्लो कर दें सो इन्फॉर्मेशन जो है वो वो जो सेल है जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो को स्टोर कर रहा है अगर फ्यूज इंटैक्ट है सो so वन को रिप्रेजेंट कर रहा है एक दफ़ा फ्यूज़ ब्लो हो गए दोबारा से आप फ्यूज़ को नहीं जोड़ सकते दैट मीन्स आप प्राम को दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते अगर आपने बार बार प्रोग्राम करना है तो फिर आप इरेजेबल प्राम यूज़ करेंगे इरेजेबल प्रोग्राम प्रोम में हमने उसका स्ट्रक्चर तो डिस्कस नहीं किया पर हमने एक यू वी ई प्रोम को देखा बेसिकली आ, उसकी डिफरेंट पेन्स हैं कंट्रोल पेन्स हैं जिसकी वजह जिसकी मदद से हम इंफॉर्मेशन नॉर्मल जूज़ में पढ़ भी सकते हैं उसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं आइए अब एक और मेमोरी की बात करते हैं बेसिकली ये मेमोरी जो है इसको हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं फ्लैश मेमोरी क्या है पहले हम जनरली मेमोरी के करेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब करते हैं जो अच्छी मेमोरी है उसकी क्या एबिलिटीज़ या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए बेसिकली मेमोरी जो है रीड राइट होनी चाहिए हम रीड भी कर सकें राइट भी कर सकें हाई डेंसिटी होनी चाहिए थोड़ी सी जगह में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते एक्सेस टाइम फास्ट होना चाहिए जो ही, ही हम इंफॉर्मेशन रीड कर रहे हैं या write कर रहे हैं वो बहुत जल्द हमारे पास अवेलेबल हो डिले ज़्यादा नहीं होना चाहिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो सो so ये चार पांच जो पैरामीटर्स हैं ये होने ज़रूरी हैं हमने डिफरेंट मेमरीज स्टडी की स्टैटिक रैम देखी सिंकोस वर्जन ए सिंकोनस वर्जन डायनामिक रैम देखी डिफरेंट टाइप्स के हैं हमने रोम्स देखे इन सारी मेमरीज़ में डिफरेंट किस्म के करेक्टरस्टिक्स हैं पर ये जो चार पांच हमने करेक्टरस्टिक्स डिस्क्राइब किए किसी भी मेमोरी के जो होने ज़रूरी हैं जो कि हमारे डिजिटल सिस्टम को हेल्प करते हैं वो इन सारों में नहीं हैं फ्लैश रैम एक ऐसी मेमोरी uh, है जिसमें ये सारे करैक्टरस्टिक्स हैं सो बेसिकली फ्लैश रैम काम कैसे करता है अगेन एक सेल जो है फ्लैश रैम का वो लॉजिक जीरो को स्टोर कर सकता है और लॉजिक वन को स्टोर कर सकता है बेसिकली स्टोर कैसे करता है अगेन ट्रांजिस्टर होता है जो कि जिस पे हम चार्ज स्टोर करते हैं सो गेट पे अगर नेगेटिव चार्ज स्टोर हो जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें लॉजिक ज़ीरो स्टोर्ड है अगर उसके गेट पे ट्रांजिस्टर का जो गेट है उसमें कोई चार्ज स्टोर नहीं है तो हम कहेंगे लॉजिक वन स्टोर्ड है सो so, ये देखते हैं इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो सेल है जिसमें चार्ज स्टोर होता है और नहीं होता उसके बाद इस पर फर्दर डिस्कशन करते हैं फ्लैश मेमोरी का एक सेल जो है हम इम्प्लीमेंट करते हैं एक मॉस ट्रांजिस्टर की मदद से जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे एक मॉस ट्रांजिस्टर है जिसका एक कंट्रोल गेट है एक ड्रेन है और एक सोर्स है इसके दरमियान नेगेटिव चार्जेस दिखाए गए हैं सो अगर कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाए नेगेटिव चार्जेस सोर्स के थ्रू इसके पास जमा हो जाएंगे सो नेगेटिव चार्जेस का प्रेजेंस अराउंड दी कंट्रोल गेट ये रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक जीरो को राइट हैंड साइड पे अगर देखें वही ट्रांजिस्टर है कंट्रोल गेट है उसका ड्रेन है एंड सोर्स है कंट्रोल गेट पे कोई पॉजिटिव वोल्टेज अगर आप अप्लाई नहीं करें तो कोई नेगेटिव चार्ज स्टोर नहीं होगा या बहुत कम चार्जेस स्टोर होंगे ये बेसिकली रिप्रजेंट कर रहे हैं लॉजिक वन को फ्लैश रैम के तीन किस्म के ऑपरेशन हैं एक को कहते हैं हम प्रोग्रामिंग ऑपरेशन एक को कहते हैं इरेज ऑपरेशन और एक तीसरा जो ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं रीड ऑपरेशन प्रोग्रामिंग ऑपरेशन में हम बेसिकली इंफॉर्मेशन फ्लैश मेमोरी में लिख रहे हैं इरेज ऑपरेशन में कोर्स जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर रहे हैं ताकि दोबारा से हम प्रोग्राम कर सकें और रीड ऑपरेशन में जो भी इन्फॉर्मेशन फ्लैश मेमरी में है उसको हम पढ़ सकते हैं इसमें प्रोग्रामिंग में बेसिकली क्या करना है इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस वो स्टोर करने हैं अगर आपने लॉजिक जीरो स्टोर करना है तो वो चार्जेस उस पर्टिकुलर सेल में आपने स्टोर कर देने हैं अगर लॉजिक वन स्टोर करना है तो कोई चार्ज आप स्टोर नहीं करेंगे तो ये होगी प्रोग्रामिंग जब आप इरेज कर रहे हैं बेसिकली अगेन हम देखेंगे कि बाई अप्लाइंग सर्टन वोल्टेज वो चार्जेस अगर आप रिमूव कर दें जितने भी सेल्स हैं एक फ्लैश मेमरी में तो इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या रहेगी मेमरी जो है इनिशलाइज हो जाएगी लॉजिक वन पे क्योंकि हमने पहले बताया है कि लॉजिक वन जो है चार्जेस का ना होना रिप्रेजेंट कर रहा है लॉजिक वन को सो so अब इरेज जब करेंगे सारे चार्जेस रिमूव हो जाएंगे सारे सेल्स जो हैं उनमें लॉजिक वन आ जाएगा इसी तरह रीड करने के लिए बेसिकली आपने सेल्स सेलेक्ट किया उसी तरह रो एंड कॉलम की मदद से अब चार्जेस अगर एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर पे हैं दैट वुड रिप्रेजेंट ज़ीरो अगर चार्जेस नहीं हैं वो वन को रिप्रेजेंट करेगा तो so, आइए पहले देखते हैं कि प्रोग्राम कैसे करना है कहाँ वोल्टेज अप्लाई करेंगे और कैसे चार्जेस इनमें स्टोर होंगे उसके बाद फिर हम बाकी जो ऑपरेशन हैं उनको देखेंगे डायग्राम में एक फ्लैश मेमोरी सेल प्रोग्रामिंग ऑपरेशन दिखाया गया है लेफ्ट हैंड साइड पे जो ट्रांजिस्टर है उसके कंट्रोल गेट पे प्लस वोल्टेज अप्लाई की है जिसको हम प्लस वी प्रोग्राम वोल्टेज कह रहे हैं सोर्स जीरो वोल्ट पे है और ड्रेन जो है वो भी एक पॉजिटिव वोल्टेज पे कनेक्ट किया गया है जू ही कंट्रोल गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे सोर्स पेन से नेगेटिव चार्जेस गेट के पास आके जमा हो जाएंगे सो so बेसिकली ये जीरो लॉजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इस ट्रांजिस्टर को या इस सेल को प्रोग्राम कर दिए फॉर लॉजिक जीरो राइट हैंड साइड पे अगेन वही ट्रांजिस्टर दिखाया गया है जिसके कंट्रोल गेट पे कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं की गई ड्रेन पे वी डी पॉजिटिव वी डी वोल्टेज अप्लाई की गई है क्योंकि गेट पे कोई पॉजिटिव वोल्टेज नहीं है तो कोई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं या चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगे दैट मीन्स इस पर कोई चार्ज नहीं होगा दिस रिप्रजेंट्स लॉजिक वन रीड ऑपरेशन के लिए बेसिकली कंट्रोल गेट जो है उसको हम पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है ड्रेन उसी तरह पॉजिटिव वोल्टेज के साथ है और सोर्स जीरो वोल्ट के साथ है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज गेट के करीब एक्मुलेट हुआ हुआ है सो so इसका इफेक्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा ड्रेन का सोर्स के साथ कनेक्शन नहीं बनेगा सो नो करंट वुड फ्लो सो दिस मींस के अगर करंट फ्लो नहीं कर रहा इस ट्रांजिस्टर पे लॉजिक जीरो स्टोर्ड है राइट हैंड साइड पे अगर देखें कंट्रोल गेट पे अगेन पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई की गई है इस पर कोई चार्ज नहीं है पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से ट्रांजिस्टर स्विच ऑन हो जाएगा ट्रेन और सोर्स के दरमियान एक पाथ स्टैब्लिश हो जाएगा और एक करंट फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होना ट्रांजिस्टर में से रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें लॉजिक वन स्टोर हुआ हुआ है रेज ऑपरेशन करने के लिए सोर्स पे एक पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा और कंट्रोल गेट पे जीरो वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा क्योंकि सोर्स पे पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स गेट के करीब एक्यूमलेटेड थे वो फ्लो आउट कर जाएंगे। सो दैट मीन्स ट्रांज़िस्टर जो है इरेज हो गया और इस पर लॉजिक वन आ गया अभी हमने फ्लैश मेमोरी को देखा उसके जो तीन ऑपरेशन हैं प्रोग्रामिंग इरेज और रीड ऑपरेशन उनको देखा ट्रांजिस्टर्स में जो चार्जेस एक्यूमलेट हो रहे हैं उनको रिमूव कर रहे हैं पढ़ रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली मेमोरी एक्सपेंशन पे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे अस्सलाम अम